डीएसटी टीम ने हरे नीम के पेड़ों से भरे ट्रक को सुबह 4 बजे नाकाबंदी के दौरान पुनाली में किया जब्त। डूंगरपुर जिला स्पेशल टीम ने दिलीप दान पुलिस निरीक्षक के सुपरविजन में सुबह मुखबिर की सूचना मिली कि लकड़ी तस्कर सलुम्बर तरफ से हरे पेड़ों की कटाई कर ट्रकों में लादकर गुजरात तरफ तस्करी कर ले जाने वाले हैं। जो ट्रक अभी पुलिस थाना दोबड़ा सर्कल में बनकोड़ा के निकट पहुंच गया है, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए पुनाली में नाकाबंदी प्रारंभ की गई। करीब 4 बजे एक ट्रक आसपुर तरफ से आया, जिसमें हरे नीम के बड़े बड़े पेड़ जो कटिंग कर अंदर से भरे हुए पाए गए। ट्रक में 2 व्यक्ति बैठे हुए पाए गए, जिसमें चालक मोहम्मद सब्बीर पिता नूरमोहत निवासी सलुम्बर, खलासी मुनीर पिता हकीम खान निवासी सलुम्बर का होना पाया गया, जिस पर दोनों को हिरासत में लिया गया। लकड़ी से भरा ट्रक व दोनों व्यक्तियों को पुलिस थाना दौड़ा को सुपुर्द किया गया। वर्तमान में भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से जूझ रहा है। लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, हर तरफ ताहिमाम मचा हुआ है। इस विपदा की घड़ी में कुछ प्रकृति के दुश्मन हरे पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बाज नहीं आ रहे हैं और वनस्पति को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आयुर्वेद में नीम को रामबाण माना गया है, फिर भी अपराधी लकड़ी तस्करी कर गाढ़ा कमाई करने पर तुले हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं इस पूरी कार्रवाई में टीम के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, मानशंकर, कांस्टेबल महावीर, यशपाल, पंकज मौजूद रहे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।